गुड मॉर्निंग एवरीवन, कैसे हैं आप सभी? जल्दी जल्दी बताइए, शेयर कर दें एक बार क्लास को, बहुत ही इंपॉर्टेंट सेशन है। देखिए, डीजल मैकेनिक का ये सेशन स्टार्ट हो गया है और दिन में 11 बजे डेली चलेगा। जब तक हमारा ELP एग्ज़ाम नहीं हो जाता तब तक ये सारा सेशन चलता रहेगा। डीजल मैकेनिक के लिए, डीजल मैकेनिक, मोटर व्हीकल, ऑटोमोबाइल, टू व्हीलर एंड थ्री व्हीलर, है ना, ये सारा का सारा जो बच्चा है, जितने भी बच्चे मैकेनिकल से हैं, बीटेक, डिप्लोमा, है ना, जो भी है मैकेनिकल से, उन सभी को ये क्लास अटेंड करनी है। इसमें इंजन के बारे में चलेगा, इसमें इंजन के पार्ट्स के बारे में चलेगा, इसमें आपके वेल्डिंग के बारे में चलेगा, थोड़ा सा इलेक्ट्रॉनिक्स का पोर्शन भी आता है, इसमें इलेक्ट्रिकल का भी पार्ट होता है, यानी सारा जो मिक्सचर जो एग्ज़ाम में एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से सारी चीज़ें आती है, वह सारी चीज़ें आपकी यहाँ पर चलने वाली है। एक बार जल्दी से बता दीजिए आपके पास साउंड वगैरह क्लियर आ रहा है या नहीं आ रहा, और शेयर जरूर कर दीजिए उन ग्रुप में, जिन ग्रुप्स के अंदर अभी हमारा डीजल मैकेनिक लोको पायलट के लिए या मोटर व्हीकल के या आपके मैकेनिकल से इंजीनियरिंग वाले बच्चे, जल्दी जल्दी एक बार जुड़ जाएं, शेयर कर दें क्लास को, बहुत इंपॉर्टेंट सेशन है। और हम लोग यहाँ पर डेली PYQ करने वाले हैं, एग्ज़ाम तक करने वाले हैं, ताकि सारे बच्चों को इसका लाभ हो सके। अभिषेक हमारे साथ जुड़ चुके हैं, अभिषेक दे हमारे साथ जुड़ चुके हैं, बहुत बढ़िया। सच में चलेगा क्या? बिल्कुल हाँ, एग्ज़ाम तक अब इसको चालू रखेंगे। कारण क्यों? क्योंकि अब आपका जो समय है बिल्कुल नज़दीक आ चुका है, जब तक आपका ट्रेड वगैरह सारा कंप्लीट नहीं हो जाता है तब तक आपका सारा ये चलता रहेगा। हाय सुदर्शन प्रजापति, हाय, बिल्कुल बेटा ठीक है। जल्दी से जल्दी एक बार सभी बच्चों को जुड़ जान दें, फिर अपन स्टार्ट कर रहे हैं। चलिए क्वेश्चन का सिलसिला शुरू कर रहे हैं। और एक बात मैं आपसे कहूंगा, यही प्रश्न आपको एज इट इज एग्जाम में भी देखने को मिलेंगे, एज इट इज देखने को मिलेंगे। थोड़ा बहुत हो सकता है लैंग्वेज में हल्का सा परिवर्तन हो, लेकिन बहुत ज़्यादा बड़ा परिवर्तन नहीं होगा। 75 क्वेश्चन जो हैं यहाँ से जो हैं वो आपको सारे मिल जाएंगे। मैं एक और बात आपसे यहाँ पर दावे के साथ कह सकता हूँ, अगर आप इस क्लास को अटेंड कर रहे हैं तो आपको थ्योरी में अतिरिक्त मेहनत करने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप सिर्फ और सिर्फ एक घंटे के लिए आ जाएँ, एक घंटे के लिए आ जाएँ और इस क्लास को अटेंड कर लें, बस एक बार अटेंड कर लें और रेगुलर बेसिस पर इसको अटेंड करते चले जाएँ। एग्ज़ाम तक थ्योरी में आपको कोई भी दिक्कत नहीं आएगी, सारे क्वेश्चन मैं आपको यहाँ से करवा दूँगा। वेल्डर ट्रेड का भी होगा बेटा, वेल्डर ट्रेड का मैं अभी नहीं कहूँगा, क्योंकि वेल्डर ट्रेड अपने आप में एक अलग स्पेसिफिक क्राइटेरिया है। तो उसका देखिए, वेल्डर का जो पार्ट है वो आपका डीजल मैकेनिक में भी कुछ पार्ट आता है, है ना, कह सकते हैं पूरी वेल्डर ट्रेड का 40% आ जाता है डीजल मैकेनिक है। वेल्डर ट्रेड का पूरा 100% आपका फिटर के अंदर आ जाता है। तो आप ये मान के चलिए कि ये सारा का सारा जो है वो आपका फिटर के साथ इंक्लूडेड हो करके, और पर्टिकुलर एक स्पेशल सेशन बनेगा, उस सेशन के अंदर आपका चलता रहेगा। एक दिन निर्धारित कर देंगे, उस दिन आपको रेगुलर आना है, अपनी क्लास को इसको अटेंड करना पड़ेगा, ठीक है। चलिए बहुत जुड़ते चले जा रहे बच्चे, एक बार जल्दी से जल्दी शेयर कर दें, है ना। पहला दिन है, कम बच्चों को इन्फॉर्मेशन है, लेकिन अभी ये रेगुलर रहेगा तो सीधी सी बात है बच्चा सारा का सारा जुड़ता चला जाएगा। इंग्लिश में भी है क्वेश्चन बेटा, हाँ इंग्लिश में भी क्वेश्चन सारे अवेलेबल हैं, आपको जो भी क्वेश्चन देखने को मिलेगा यहाँ पर वो हिंदी और इंग्लिश दोनों में देखने को मिल जाएगा। घबराने की जरूरत 1% नहीं है, आपको हिंदी और इंग्लिश दोनों में आपको ये प्रश्न देखने को मिलेंगे, क्लियर है। चलिए पहले प्रश्न से शुरुआत करने वाले हैं, बाकी सारे बच्चों तक ये खबर पहुँच चुकी है, बच्चे आ रहे हैं, धीरे धीरे बच्चे आ जाएंगे, आज की क्लास के बाद में कल की क्लास में रेगुलर बेसिस पर जुड़ जाएंगे, ठीक है। चलिए स्टार्ट करें। पहला प्रश्न आपके सामने दिखाई दे रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा उपकरण ठंडे डीजल इंजन को स्टार्ट करने में मदद करता है। पहली बात तो आप ये समझिए, हमारे विश्व में, हमारे पृथ्वी पर बहुत सारे देश ऐसे हैं जहां पर बर्फ बहुत ज़्यादा पड़ती है, इतनी ज़्यादा बर्फ पड़ती है कि इंजन ऑयल तक क्या होते हैं उसके जम जाते हैं, इंजन ऑयल तक जम जाते हैं। ऐसी कंडीशन में हमें करना क्या पड़ता है, वहाँ पर SAE20 ऑयल को क्रैंक केस के अंदर भरा जाता है। वहीं अगर गर्म देशों की बात करें तो गर्म देशों में भरना पड़ेगा आपको SAE40, यानी कि 40 जो ऑयल होता है ना, थोड़ा सा गाढ़ा होता है ना, दो सेकंड ये नंबर ले ले, फोन ले लेना। और SAE20 जो होता है ना वो पतला होता है, तो इंजन ऑयल भी जम जाते हैं, इंजन पूरी तरीके से बंद हो जाता है। तो ऐसी कंडीशन में हमें पहले इंजन की बॉडी को, इंजन को गर्म करना होता है। अब इंजन को गरम करना होगा तो सीधी सी बात है, जब इंजन गरम होगा तभी वो क्या मूवमेंट करने के लिए सक्षम होगा, यानी पहले से हमें क्या करना पड़ेगा, उसको गरम करने के लिए छोड़ना। अब गरम करने के लिए छोड़ने के लिए क्या करना पड़ता है, एक डिवाइस लगाना पड़ता है ना। वैसे तो आपका इस डिवाइस का नाम हीट प्लग है, हीट प्लग है,
लेकिन कहीं कहीं हीट को क्या कहा जाता है, ग्लो भी कह देते हैं। तो ग्लो प्लग यानी हीट प्लग भी आप कह सकते हो। हीट प्लग भी आप कह सकते हो और आप इसको ग्लो प्लग भी कह सकते हो, दोनों ही शब्द एक ही है। परीक्षा में मैक्सिमम पॉसिबल है कि भैया हीट प्लग भी दे दे आपको, है ना। तो दोनों शब्द एक ही है। अब क्या होता है, ये एक चीज और ध्यान रखिएगा, ये बैटरी से संचालित होता है, इसको भी ये भी ध्यान रखना। ये किससे संचालित होता है, बैटरी से, बैटरी से संचालित होता है। बाकी तीनों ऑप्शन जैसे स्पार्क प्लग है, स्टेनर है ना, एक्यूमुलेटर है, ये ऑप्शन इसके नहीं है, है ना। ये अलग अलग इंजन के और पार्ट हैं जो कि अलग अलग काम करते हैं। कुल मिलाकर के आपको ना लगाना है हीट प्लग, और हीट प्लग किससे काम करता है, बैटरी से काम करता है। कहाँ लगा होता है, एक क्वेश्चन भी ये भी पूछ सकता है, हीट प्लग को इंजन में कहाँ लगाया जाता है। तो आप ध्यान रखिएगा, इंजन जो होता है ना, उसका जो कम्बक्शन चैम्बर होता है, सबसे ऊपर वाला भाग, जो जहाँ पर पिस्टन और सिलेंडर हेड के बीच में जो गैप रहता है, सिलेंडर हेड है, इसके बीच में ये जो गैप है, और ये आपका पिस्टन है, ये पिस्टन है आपका, है ना, पिस्टन है, ये हेड है, और ये जो गैप है ना, गैप, इस गैप में सिलेंडर हेड के अंदर से आकर के ये लगेगा, है ना। सिलेंडर हेड के अंदर ये आकर के लगेगा, और ये क्या काम करेगा, यहाँ से हीट को गर्म, मतलब इस इंजन को यहाँ पर गर्म करना शुरू कर देगा, क्योंकि जितना भी होगा, जो भी वर्क होगा, वो सारा का सारा इसी एरिया में होना है मेन। तो क्योंकि यहाँ अगर एक बार स्पार्क हो गया या इस बार विस्फोट हो गया, तो आपका इंजन स्टार्ट हो जाएगा, फिर दिक्कत नहीं आने वाली। तो समझ गए होंगे आप मेरी बात को, यानी कहाँ लगा होता है, कम्बक्शन चैम्बर में लगा होता है। क्या लगा होता है, हीट प्लग, ठंडे देशों में इंजन को स्टार्ट करने के लिए, ठीक है। किससे संचालित होता है, बैटरी से संचालित होता है। अगले प्रश्न, अगला प्रश्न का जवाब अब आप लोग देंगे, क्योंकि एक प्रश्न मैंने बहुत ही तरीके से समझा दिया आपको। अगला प्रश्न का जवाब दें, वाहनों में अल्टरनेटर का कार्य होता है, भैया अल्टरनेटर क्या काम करता है। देखो अल्टरनेटर जो होता है ना, ALT बोला जाता है ना कि नहीं, विद्युत धारा को क्या करता है, प्रोड्यूस करता है, उत्पादन करता है, विद्युत का उत्पादन, विद्युत का उत्पादन, उत्पादन। अब यही बात ध्यान समझना, समझना यहाँ पर बोल रहा है, अल्टरनेटर का कार्य क्या है, धारा को मापने का, बैटरी को चार्ज करने का, बैटरी को डिस्चार्ज करने का, इंजन को स्टार्ट करने का। तो ये आपसे बोला गया, इंजन स्टार्ट करेगा, बैटरी को डिस्चार्ज करेगा, बैटरी को चार्ज करेगा, धारा का मापन करेगा। देखो वैसे तो डायनमो एक चीज होती है, डायनमो ये क्या काम करता है, ये डीसी बनाता है, ये क्या बनाता है, डीसी बनाता है। लेकिन यहाँ पर क्योंकि बोला गया अल्टरनेटर, बड़े जो इंजन होते हैं, बड़े जो इंजन होते हैं, है ना, अल्टरनेटर और डायनमो में पहले फर्क समझ लो। डायनमो आकार में बड़ा होता है, इसमें घूमने वाला भाग हमेशा और हमेशा आपका वाइंडिंग ही रहेगा, मतलब चालक ही रहेगा, चुंबक स्थिर रहेगी, इसमें चुंबक स्थिर रहती है। देखो प्रॉब्लम यहाँ पर समझ लेना मेरी बात को, इसमें एन और एस पोल जो होंगे ना, एन और एस, डायनामो में हमेशा चुंबक क्या रहेगा, स्थिर रहेगा, ये हमेशा क्या रहेंगे, स्थिर रहेंगे, और चालक जो है, चालक चालक जो है वो चलित होंगे यानी घूम रहे होंगे, है ना, घूमते हैं। लेकिन अल्टरनेटर में जस्ट उल्टा है, इसमें क्या होता है, चालक तो स्थिर होते हैं, क्या होते हैं भाई, चालक क्या होते हैं, स्थिर होते हैं, इसमें चालक स्थिर होते हैं, और क्या चीज भाई, आपका जो है मैग्नेट जो है, एन और एस जो है, ये आपका घूर्णन करता है, घूर्णन। अब इसमें फायदा क्या है, ये छोटा हो जाता है और उच्च वोल्टता दे देता है, उच्च वोल्टता भी दे देता है, उच्च वोल्टता भी देता है, ये बड़ा होता है और निम्न वोल्टता देता है, निम्न वोल्टता देता है। अब आप समझ गए होंगे, डायनमो और यहां पर ये दोनों चीजें आपकी यहां आ गई हैं। तो इंजन में अभी तक आपने पढ़ा होगा डायनमो लगा होता है जो बैटरी को चार्ज करता है, लेकिन आज से आप एक बात ध्यान रखिएगा, अल्टरनेटर क्या होता है, छोटे साइज का बन जाता है और उच्च वोल्टता दे देता है, यानी जो बड़े आकार के जो बैटरीज होती है, जो इंजन में, ट्रैक्टर में, ट्रक में, इन सब में जो लगाई जाती है, वहां पर डायनमो को यूज ना करके हम अल्टरनेटर का उपयोग कर देते हैं, और ये क्या काम करेगा, बैटरी चार्ज करने का। आप समझ गए होंगे, मतलब डिटेल क्यों समझना जरूरी है, डिटेल इसलिए समझना जरूरी है कि जरूरी नहीं ये प्रश्न आपका आएगा। देखो ये आया हुआ प्रश्न है, 2018 का, 19 का प्रश्न है, आया हुआ प्रश्न है, अपडेटेड क्वेश्चन है, लेकिन आपको ये समझना है कि इससे सराउंडिंग कौन कौन से क्वेश्चन आ सकते हैं। एक बार जल्दी से शेयर और कर दो क्लास को, है ना, सभी के साथ में। अगला प्रश्न आ रहा है कि भैया फ्लाईव्हील
ऑटोमोबाइल में फ्लाईव्हील का क्या कार्य है? ऑटोमोबाइल में फ्लाईव्हील का क्या कार्य है? बताइए बताइए, सोचो जरा दिमाग से फ्लाईव्हील का। इसका जवाब हमें कौन कौन देगा? एमडी अभिषेक, अभिषेक दे, बजरंग, हरीश, बजरंग जुड़ चुके हैं, हरीश जुड़ चुके हैं, और भी थोड़ा ऊपर करना कमेंट, सुदर्शन, प्रजापति, बजरंग सर। इलेक्ट्रिकल का क्लास स्टार्ट होगा शाम को 7 बजे, आप आएंगे 7 PM पर आप आएंगे, तो आपको इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स और वायरमैन सबका क्लास मिलेगा, है ना? तो आप शाम को आ जाओ। देखो मैं उसमें इलेक्ट्रिकल पढ़ाएंगे, इलेक्ट्रॉनिक्स भी आएगी, और वायरमैन, ये तीनों ट्रेडें जो हैं 7 बजे 7 PM पर आपकी आ जाएगी, ठीक है? घबराने की जरूरत नहीं 1% भी। चलिए अगले प्रश्न पर चलें। सही बच्चे एक बार शेयर कर दो, सभी के साथ जुड़ जाओ, है ना? अच्छा एक चीज और मैं बता रहा हूँ आपको, डीजल वाले बच्चों का एक ग्रुप हम लोग बना रहे हैं, ठीक है? डीजल वाले बच्चों का, जितने भी डीजल के बच्चे हैं उन सभी का हम एक ग्रुप बना रहे हैं। किस पर बना रहे हैं? टेलीग्राम पर। टेलीग्राम पर डीजल का एक ग्रुप बनने वाला है, तो जितने भी बच्चे हैं वो सब तैयार रहें, है ना, उस ग्रुप को ज्वाइन करने के लिए। उसका लिंक इस क्लास के डिस्क्रिप्शन में डलवा दिया जाएगा, डीजल मैकेनिक की क्लास का टेलीग्राम का लिंक। इसमें नया ग्रुप बनाएंगे हम लोग, जो हमारा PDF जीमेट PDF के नाम से है वो तो है ही सही, लेकिन हमारा एक डीजल मैकेनिक का ग्रुप और बन रहा है, तो जो बच्चे हमारे हमारे संस्थान में पढ़ रहे हैं वो भी उस ग्रुप में जुड़ सकते हैं, और जो नहीं भी पढ़ रहे हैं वो भी इस टेलीग्राम ग्रुप में जुड़ सकते हैं, और उसमें आप अपना कन्वर्सेशन कर सकते हैं। PDF आपको A4 फॉर्मेट पर मिल जाएगी और उसमें आपको सारी चीज़ें देखने को मिलेंगी, ठीक है? तो चलिए यहाँ पर क्या है, देखो सुनो मेरी बात। इंजन जो होता है, चार ऑप्शन आपने पढ़ लिए होंगे, फ्यूल और एयर मिक्सर करना, निकास गैस नियंत्रित करना, ऊर्जा स्टोर करना, गति कम करना। देखो सुनो मेरी बात, देखो कोई भी इंजन जो होता है ना, उस इंजन की अगर हम पिस्टन की बात करें तो पिस्टन जो है चार स्ट्रोक चलता है, सक्शन, कंप्रेशन, पावर और एग्जॉस्ट, और ये चारों स्ट्रोक जब चलता है तो एक साइकिल होता है। लेकिन पावर में क्या होता है, पिस्टन TDC से BDC जाता है, TDC से BDC जाता है, है ना? ये बात सभी बच्चे जानते होंगे ना। पावर तो हमें केवल पावर स्ट्रोक में मिली, पावर तो हमें केवल पावर स्ट्रोक में मिली, बल्कि जबकि इंजन जो है, इंजन में जो है वो चार स्ट्रोक हैं। भाई ये दूसरा स्ट्रोक हो गया, ये तीसरा स्ट्रोक हो गया, और ये चौथा स्ट्रोक हो गया, चार स्ट्रोक है। यानी पहले में सक्शन होगा नीचे, फिर कंप्रेशन होगा, फिर पावर होगा, फिर एग्जॉस्ट होगा, तो कुल मिलाकर के हमें सक्शन, कंप्रेशन और एग्जॉस्ट में क्या कोई पावर मिलेगी, कोई शक्ति मिलेगी क्या? नहीं मिलेगी। अगर हम इस पावर को डायरेक्ट इस्तेमाल करेंगे तो हमें झटका महसूस होगा, क्या होगा? झटका, झटका। और इस झटके को अगर हमें कम करना है, इस झटके में जो एनर्जी प्रोड्यूस हुई है उस एनर्जी को सोख लेना है, और सभी स्ट्रोकों में पावर स्ट्रोक की शक्ति को सभी स्ट्रोकों में एक समान रूप से वितरित करना है, तो हमें फ्लाईव्हील लगाना पड़ता है। क्या लगाना पड़ता है भाई? फ्लाईव्हील लगाना पड़ता है ना? तो फ्लाईव्हील क्या काम करता है? ऊर्जा को स्टोर करने का काम करता है, और ऊर्जा को स्टोर करके सभी स्ट्रोकों में एक समान रूप से वितरित करने का कार्य। सर आप अपना नंबर दीजिए, नंबर दें क्या? तुम लोग मानोगे नहीं है, मानोगे नहीं, नंबर दें, नंबर तो मैं दे दूंगा। एक काम करना, इस नंबर पर 7891063662 इस नंबर पर कॉल कर लिया करो आप। लेकिन भैया वो एक बात ध्यान रखना हमेशा, सुबह 9 बजे से शाम को क्या नाम, अच्छा आपको एक टाइमिंग दे देता हूँ मैं, उसी टाइमिंग में कॉल करना, शाम को 8 बजे से 9 बजे के बीच में, है ना, PM पर इस टाइमिंग में कॉल करना, मैं ही आपसे बात करूँगा, मैं ही आपका कॉल उठाऊँगा, ठीक है? 9 से
आठ से नौ, नौ आठ बजे के बाद और नौ बजे के बीच में, नौ बजे के बाद में भी थोड़ा बहुत कर लोगे, 9:30 तक भी कर लोगे ना, 9:30 तक भी कर लोगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है ना, 9:30 तक भी कर लोगे तो कोई दिक्कत नहीं, मैं करवा बात कर लिया करूँ, ठीक है। सचिन, संदीप, अभिमन्यु, मल्लिकार्जुन, अभिषेक दे, भैया सभी के सभी बच्चे आज शाम को 8 बजे जो हमारे सहयोग सर है उनका बर्थडे है, उस क्लास में जरूर आइएगा, ठीक है। आज शाम को 8 बजे सहयोग सर का बर्थडे है, उस क्लास में जरूर आना, आज बहुत इम्पोर्टेंट है, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न पर आ जाइए। अगला प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा ऑटोमोबाइल इंजन का पार्ट नहीं है? सिंपल सा क्वेश्चन है, पार्ट नहीं है भाई, सिलेंडर ब्लॉक पार्ट होता है, सिलेंडर पार्ट होता है, सिलेंडर हेड पार्ट होता है ना, ब्लॉक हेड और सिलेंडर ब्लॉक, सिलेंडर हेड और आपका ये सारी चीज़ें क्या है आपके, सिलेंडर इसका भाग है, पिस्टन भी भाग होता है, पिस्टन रिंग भी भाग होती है, ठीक है। क्लच जो होता है ना, क्लच, क्लच जो होता है ना घूर्णन की दर को नियंत्रित करता है, घूर्णन की दर, और किसके माध्यम से, गियर के माध्यम से, तो गियर के माध्यम से क्लच घूर्णन की दर को निर्धारित करता है। ये कुल मिलाकर के इंजन का नाक हो करके ये ऑटोमोबाइल का पार्ट हो जाता है। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, डी ऑप्शन इज द राइट आंसर। चलिए अगले प्रश्न पे आ जाइए। इसको आप खुद करिए एक बार, मैं थोड़ा सा पानी पी लूं, मेरी बोतल में पानी नहीं है। इसका जवाब दो भाई जल्दी से, जो भी बच्चे हैं इसका जवाब दे दो। मेरा कहाँ है, जल्दी से इसका जवाब दो। डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ पूछी है, डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ, डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ पूछी है। जवाब दो, देखते हैं कौन बच्चा जवाब दे पाता है, मैं उसका नाम लूंगा अभी, है ना। एक बार जल्दी से बचाओ, चार्ज की, पूर्ण चार्ज की, डिस्चार्ज की, सबकी पता होनी चाहिए आपको। डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ ऑफ बैटरी, चलिए सभी का आ गया आंसर, बी 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 बी, कुंदन, अभिषेक दे, संदीप, जितेंद्र, लखन, लाखा, लाखा 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 लाखा, सभी ने क्या बताया है, बी बताया है, डिस्चार्ज की स्थिति, बिल्कुल बात,
2.2 वोल्ट हो जाएगा, तो ये 2 वोल्ट या 2.25 के लगभग में तो आपका ये चार्ज हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न पे आ जाइए। इंजन स्टार्ट करते समय स्टार्टर मोटर पिनियन के साथ जुड़ा होता है। इंजन स्टार्ट करते समय मोटर, देखो सुनो मेरी बात, स्टार्टर मोटर, अब ध्यान से सुनो, ध्यान से समझना मेरी बात को, कि अगर मैं आपसे कहूँ ये वाला पहिया आपके पास है जिस पे बहुत सारे दांते बने हुए, और एक ये वाला पहिया है इस पर भी दांते बने हुए, मुझे एक बात बताओ, अगर और लोड इसके साथ सेम लोड, मतलब 100 न्यूटन का इसके साथ भी जुड़ा है, 100 न्यूटन का इसके साथ भी जुड़ा है, बताओ इन दोनों में से किसको घुमाना आसान होगा? बस इस प्रश्न का जवाब दे दो, आप इसका जवाब निकाल दोगे। बिल्कुल जल्दी से बताइए, अभिषेक दे भाई, किसको करना सही होगा भाई, एक नंबर को या दो नंबर को, किसको घुमाना आसान होगा? सोचो जरा दिमाग से, 100 न्यूटन दोनों में। सौ दोनों में, डीजल मैकेनिक की क्लास है, पहली क्लास है, पहला दिन है, शेयर जरूर कर देना ताकि सभी बच्चों को मालूम चल जाए क्लास के बारे में। देखो ध्यान सुन, अगर मैं बात करूं तो आप सभी बोलेंगे भैया सर इसको उसको जो है घुमाना बहुत आसान है, क्यों? क्योंकि इसका जो है जो रेडियस है वो बहुत ज़्यादा, टॉर्क वाला एफ इंटू आर हो जाएगा, तो उसी के अनुसार इसको घुमाना आसान होगा, सीधी सी बात है। तो मेरी बात ध्यान सुनो, चाहे आप क्रैंक शाफ्ट पर दांते बना दो या आप केम शाफ्ट पर दांते बना दो, है ना, क्लच तो इसमें होगा ही नहीं, ठीक है, तो आप इनमें से किसी पर भी दांते बना दो तो उतना अच्छा रिजल्ट नहीं मिलेगा जितना कि हमें फ्लाई व्हील पर मिलेगा। तो ए ऑप्शन जो है करेक्ट है, और इसके साथ में जब आप पिनियन करके क्या लगा दोगे, मोटर लगा दोगे, तो आपका ये मोटर जल्दी से स्टार्ट कर देगा। अगला प्रश्न, संयोजक छड़ों का मतलब होता है कनेक्टिंग रॉड, इसका इंग्लिश नहीं लिखा हुआ है तो ध्यान रखिएगा, बाकी सब में इंग्लिश आ रहा है रेगुलर, एक आध क्वेश्चन में छूट जाता है, कोई बड़ी बात नहीं है, है ना। संयोजक छड़ यानी कनेक्टिंग रॉड के मुड़ने एवं झुकने की जांच निम्नलिखित में से किसके द्वारा की जा सकती है, की जाती है? तो देखो भाई, कनेक्टिंग रॉड अलाइनमेंट जिंक के थ्रू आप इसको कर सकते हैं, ठीक है। अगले प्रश्न पे आ जाओ, इसको डायरेक्ट ही पढ़ना है, इसमें कोई ज्यादा वो नहीं है ना। अगला प्रश्न है, मोटरसाइकिल के सिलेंडर में ऊपरी भाग में मौजूद फिन्स निचले भाग की अपेक्षा फिन्स की तुलना में अधिक लंबे होते हैं, ऊपरी भाग अधिक स्थान घेरता है, ऊपरी भाग में अतिरिक्त सामर्थ्य की आवश्यकता होती है, वे गैर अनावृत स्थिति में होते हैं, गर्म वायु ऊपर की ओर उठती है। देखो इसने ऊपर नीचे कराए, ऊपर भाग में फिन्स निचले भाग की अपेक्षा तुलना में अधिक लंबे होते, तो इसने ऊपर नीचे किया, यानी कि ये बोल रहा है नीचे भाग की जो फिन्स होंगी ना, और नीचे भाग की जो फिन्स होंगी और ऊपर के भाग की जो फिन्स होंगी, ये अपेक्षाकृत क्या होंगी, अधिक क्या हो रहेंगी। तो अब आप ध्यान सुनिए, हीट जो होती है ना, हीट भी क्या करती है, ऊपर जाती है, ऊपर की ओर जाती है ना, तो हीट जो होगी ट्रांसमिट होगी नीचे से ऊपर की तरफ, है ना, हीट जो होगी नीचे से ट्रांसमिट होगी ऊपर की तरफ, और इन्हीं में से फिन्सों में से ही क्या होगी, बाहर निकलेगी, ठीक है। तो हीट जो है थोड़ा थोड़ा हीट तो इधर से भी निकलेगी, लेकिन बहुत ज्यादा हीट जो है वो इन फिन्सों में से बाहर निकलेगी। तो ऐसी कंडीशन में हमें क्या बोलना पड़ेगा, गर्म वायु हमेशा ऊपर की ओर क्या होती है, जाती है, और ऊपरी भाग क्या होता है, ये इंजन का ऊपरी भाग क्या होता है, गर्म भी ज्यादा होता है क्योंकि कंबक्शन चैम्बर ऊपर ही होता है, तो इसलिए ऊपरी भाग की फिन्स क्या होती है, थोड़ी सी उठी हुई रहती है, और गर्म वायु भी क्या हो जाती है, ऊपर की ओर ही जाएगी, तो ऊपर भाग में अधिक स्थान होता है, ऊपरी भाग में अधिक सामर्थ्य होती है। केवल आंसर आपका डी है, लॉजिकल जो आंसर सही पड़ रहा है वो डी पड़ रहा है, इसके अलावा और कोई प्रश्न इसमें, और कोई ऑप्शन इसमें सेट नहीं होता है। ये प्रश्न ऐसे हैं जो अपने आप ही एग्जामिनर बोलता है भैया इसको सही करो, यही है, मतलब इसमें कोई भी बच्चा गलत करके नहीं आएगा। चला अगला प्रश्न, रेडिएटर में पानी का स्तर कम होने पर क्या होता है? रेडिएटर में पानी का स्तर कम होने पर क्या होता है? आज पहला दिन है, सभी बच्चे एक बार शेयर जरूर कर दें। इलेक्ट्रिकल क्लास कब होगा? शाम को 7 बजे होगा इलेक्ट्रिकल क्लास, ठीक है, मैं भी एक शॉर्ट और अपलोड कर दूंगा ताकि सभी बच्चों तक वो क्लास की बात पहुंच जाए। एक बार लाइक जरूर कर दो जो भी बच्चे इस समय पर जुड़े हुए हैं, कल भी आपको सेम टाइमिंग पर आना अनिवार्य है, प्लस नए बच्चे भी इसमें आ जाएंगे, अभी काफ़ी सारे बच्चों को इन्फॉर्मेशन नहीं है, और ये क्लास जो है अब एग्ज़ाम तक चलेगी, इसको हम एग्ज़ाम तक कंटिन्यू करेंगे, ठीक है, क्योंकि अब समय आ गया है, एक साल के अंदर काफ़ी कुछ बदल जाएगा।
रेडिएटर जो है उसमें पानी का स्तर कम होने पे क्या होगा, पानी का सर्कुलेशन रुक जाएगा। पानी का सर्कुलेशन रुकने से क्या होगा, इंजन की हीट जो है एक जगह से दूसरी जगह नहीं पहुंच पाएगी। इंजन की हीट अगर एक जगह से दूसरी जगह नहीं पहुंच पाएगी तो फिर क्या होगा, लास्ट में रिजल्ट यही है कि इंजन सीज होगा, इससे ज़्यादा कुछ नहीं हो सकता। क्या इंजन स्टार्ट नहीं होगा, बिल्कुल हो जाएगा, इंजन सीज हो जाता है, अतिरिक्त गर्म हो जाता है, गर्म तो होगा। अब ध्यान सुनो, यहाँ फंस चुके हो आप, ये दो ऑप्शन में फंस गए अब आप, कि हम सीज पे लगाएं कि गर्म हो रहा, क्रैंकशाफ्ट नहीं घूमती, ये वाली बात, यानी दो बातें तो आपकी गलत होगी, लेकिन दो में जाके आप क्या होगा, फंस गए। अब आपको डिसीजन लेने के लिए क्वेश्चन को दोबारा पढ़ना पड़ेगा। रेडिएटर में पानी का स्तर कम होने पर, अब यहां समझो, इसने क्या नहीं बोला, पानी पूरी तरीके से समाप्त नहीं हुआ है, कम हुआ है, तो पहले क्या होगा, इंजन गर्म होगा, इंजन क्या होगा, गर्म होगा, ठीक है। तो आपको पहले नंबर पे गर्म रखना पड़ेगा, है ना कि नहीं, तो सी ऑप्शन। अगर ये पानी बोलता, कम नहीं बोलता, नहीं है बोलता, या रेडिएटर खराब है, या रेडिएटर का पंप जो है वो खराब हो गया भाई, है ना, रेडिएटर का सेंट्रीफ्यूगल पंप जो होता है ना, रेडिएटर और इंजन के बीच में लगा होता है सेंट्रीफ्यूगल पंप, पुली के माध्यम से वो खराब हो गया है, तो अगर वो उसे खराब बोल देता है, रेडिएटर खराब बोल देता है, तो हम डायरेक्ट कहाँ पहुंच जाते, सीज हो जाएगा, डायरेक्ट बोलते सीज हो जाएगा। लेकिन यहाँ पानी का स्तर कम बोल रहा है ना, इसलिए हमने इसको आंसर को अत्यधिक गर्म हो जाता है। ऑटोमोबाइल इंजन द्वारा ऊर्जा को किस रूप में, अभिषेक दे, आशीष एमडी, इम्तियाज अली, एमडी इम्तियाज अली, यस सर, जितेंद्र कुमार का बी, हर्ष कुमार का सी, अभिमन्यु कुमार का सी, ठीक है, इंजन अत्यधिक गर्म होगा। शाबाश बेरो शेरो, क्या बात है, तुम मजा का बन दिया। ऑटोमोबाइल इंजन द्वारा ऊर्जा को किस रूप का उपयोग किया जाता है, ध्यान सुनो, अब यहाँ बोला गया है इंजन द्वारा किस ऊर्जा का प्रयोग किया जाता है, तो सबसे पहले आता है ईंधन, ईंधन, ईंधन में होती रासायनिक, ठीक है, फिर ईंधन जाता है इंजन में, तो इंजन में ईंधन रासायनिक ऊर्जा से क्या बनती है, ऊष्मा, ठीक है, और ऊष्मीय ऊर्जा के बाद में इंजन क्या करता है, घूर्णन, घूर्णन, तो घूर्णन करने से क्या होती है, मैकेनिकल एनर्जी, यांत्रिक ऊर्जा, यानी इंजन की, ईंधन की रासायनिक ऊर्जा कन्वर्ट होती है ऊष्मा में, ऊष्मीय ऊर्जा में, और ऊष्मीय ऊर्जा कन्वर्ट होती है यांत्रिक ऊर्जा में, ये इसका लॉजिक है ना। अब बोल रहा है इंजन द्वारा ऊर्जा को किस रूप का उपयोग किया जाता है, तो ऊष्मीय ऊर्जा का उपयोग किया जाता है, ऊष्मीय। लेकिन अगर ये यहाँ प्रश्न बोल देता है ऑटोमोबाइल इंजन द्वारा ईंधन की, ये प्रश्न आया हुआ है, ये भी प्रश्न आया हुआ है, ईंधन की किस ऊर्जा का प्रयोग किया जाता है, इंजन द्वारा ईंधन की किस ऊर्जा का उपयोग किया जाता है, तो रासायनिक आता, इंजन द्वारा किस ऊर्जा का प्रयोग किया जाता है, तो ऊष्मा आएगा, ठीक है, तो आपका सी ऑप्शन जो है करेक्ट हो जाएगा, और अगर, और इसके अलावा कुछ बनेगा ही नहीं, और इंजन किस ऊर्जा में कन्वर्ट करता है, तो यांत्रिक ऊर्जा में कन्वर्ट करता है, बोलो हाँ या ना एक बार। अमर, अमर बहुत बढ़िया, गुड मॉर्निंग बेटा, बहुत लेट जुड़े हो आप, और टाइम पे आओगे इस क्लास में, लाभ ये होगा कि आपकी ये जो क्लास है 40 मिनट की लगभग है ना, ये 40 मिनट की क्लास आपको एग्जाम में परेशान नहीं होने देगी 1% भी, आपको बहुत सारे क्वेश्चन को कराने में हेल्प करेगी, है ना। अभिषेक दे ने सही लगाया था आंसर, लेकिन थोड़ा सा वो कन्फ्यूज थे, कन्फ्यूज क्यों थे, अगर उसमें ऑटोमोबाइल ईंधन की किस ऊर्जा का उपयोग करता है तो रासायनिक लगा दो, अगर ईंधन नहीं आता है, ईंधन आएगा तो रासायनिक, इंजन आएगा तो ऊष्मा, और घूर्णन आएगा तो यांत्रिकी, किस ऊर्जा को घूर्णन ऊर्जा में बदलता है ना, तो यांत्रिकी आएगा। आप समझ पा रहे हो सारी चीज़ों को, लिख लेना कहीं अगर नोट्स वगैरह बना रहे हो इसके, तो पीडीएफ आपको मिल जाएगी, 250 क्वेश्चन की पीडीएफ है ये, अलग से दे देंगे आपको, मजा आएगा, लेकिन तभी देंगे जब आप रेगुलर बेसिस पे क्लासेस में आओगे, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न पर आ जाइए, 40 मिनट की क्लास है,
लेकिन आज मैं क्वेश्चन कुछ कम कराऊंगा, कल आपके क्वेश्चनों की संख्या ज्यादा रहेगी। संयोजक छड़ का बड़ा सिरा किस क्रैंकशाफ्ट से जुड़ता है? तो क्रैंकशाफ्ट के किस भाग से जुड़ता है? देखो क्रैंकशाफ्ट का थोड़ा सा मॉड्यूल मैं यहाँ बना देता हूँ। देखो ये क्रैंकशाफ्ट है और ये क्रैंक पिन है, ये आपका यहाँ पर है, ये आपका यहाँ पर, इस तरीके है ना। तो ये होता है क्रैंक पिन, क्रैंक पिन होता है ये, और ये तो जर्नल, ठीक है। और जर्नल और क्रैंक पिन के बीच की दूरी इस पॉइंट से और इस पॉइंट तक है ना, इस पॉइंट तक, ठीक है, इस पॉइंट तक, इसके बीच की दूरी ये हो जाती है थ्रो, थ्रो उत्थापक भी बोल देते कई जगह। तो संयोजक यानी कनेक्टिंग रॉड का बड़ा सिरा, बिग आई, बिग आई हमेशा क्रैंक पिन से जुड़ता है, ये वाला हिस्से से जुड़ता है। बाकी फिर तो आपका यहाँ पर बाकी सारा सिस्टम तो है ही सही, ऐसा कैसे है ना कि नहीं, बोलो हाँ या ना, समझ में आया नहीं आया? मैं क्या बोल रहा हूँ, इस क्लास से ही सारे क्वेश्चन आपके बैठ के बिठा देंगे, सी ऑप्शन जो है क्रैंक पिन हो जाएगा। बोलो हाँ या ना। सही बच्चों, एक बार शेयर जरूर कर दिया करो इस क्लास को, है ना। मुख्य जर्नल और क्रैंक पिन के केंद्र रेखाओं के बीच दूरी, अब देखो ध्यान सुनो, जो मैंने यहां बनाया था ना ये चित्र, इसी चित्र को यहां पर देखना पड़ेगा आपको दोबारा से, देख लो। मुख्य जर्नल, ये जर्नल रहा है ना, और क्रैंक पिन, ये रही क्रैंक पिन, ठीक है। इसके यहां से और यहां से इसके बीच की दूरी को क्या कहते हैं बताओ, अब आप लोग बता दोगे इसको। इसीलिए बोल रहा हूँ, किसी एक प्रश्न को ढंग से आप अगर आप पढ़ लोगे ना, तो आपने आराम से क्या कर पाओगे, क्वेश्चनों को कर लोगे, है ना। बताओ क्या आंसर दोगे अब आप, बोलो हाँ या ना। कुंदन कुमार, क्रैंक पिन, अभिषेक दे, क्रैंक पिन, अभिषेक दे, क्रैंक पिन, ठीक है, बहुत अच्छे, बहुत बढ़िया, शाबाश। शाम को 8 बजे आज सहयोग सर का बर्थडे है, सभी बच्चों को वहाँ आना है, ठीक है। कुछ गिफ्ट मिलने वाला है, कुछ बड़ा मिलने वाला है, ठीक है, आप सभी को। एमडी इम्तियाज आलम, इरफान खान, बहुत बढ़िया, शाबाश। लाइक कर दो एक बार क्लास को जल्दी से, ठीक है। कनेक्टिंग रॉड का अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल, क्रॉस सेक्शन एरिया, कनेक्टिंग रॉड का अनुप्रस्थ काट होती है, बताओ कैसी होती है अनुप्रस्थ काट, कनेक्टिंग रॉड की अनुप्रस्थ काट कैसी होती है, क्या आपने ऐसी देखी है क्या, कनेक्टिंग रॉड की अनुप्रस्थ काट कैसी होती है? सभी बच्चे इस क्लास में एग्जाम तक के लिए जुड़े हैं, क्योंकि आपको थ्योरी घर पे नहीं पढ़नी पड़ेगी, है ना। ये बिग आई होती है और ये स्मॉल आई होती है, ठीक है। और ये इसका शेप जो है अंग्रेजी के आई अक्षर के समान है, ए ऑप्शन जो है करेक्ट हो जाएगा। बोलो हाँ या ना, क्लियर हो गया सभी को, स्मॉल आई, बिग आई, ये किससे जुड़ेगा, गजन पिन से, ये वाला हिस्सा किससे जुड़ेगा, गजन पिन से, ये किससे जुड़ेगा, क्रैंक पिन से, क्रैंक पिन से जुड़ेगा। ये एग्जाम में पूछे जाते हैं प्रश्न, एक चीज को अगर आप ढंग से पढ़ लोगे तो आप दोबारा उस चीज को पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। एक बार जल्दी से शेयर कर दो इस क्लास को अपने दोस्तों में, क्योंकि आपके दोस्त आएंगे, आपका भी बढ़ेगा ना, हाँ मैं पढ़ रहा हूँ, देखो तुम भी पढ़ो। क्रैंक शाफ्ट का व्यास मापा जाता है, क्रैंक शाफ्ट का व्यास मापा जाता है, देखो यहाँ ऐसे क्वेश्चन में उलझना नहीं है, क्रैंक शाफ्ट बोला है इससे कोई मतलब नहीं है हमारे को, इससे कोई मतलब नहीं है, यहाँ पर व्यास मापा जाता। तो व्यास देखो, व्यास, 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 अब क्रैंक शाफ्ट, अब पहले क्रैंक शाफ्ट को समझ लो, क्रैंक शाफ्ट में हर हिस्सा ऐसा गोल होता है, खोखली होती है क्या ये, खोखली होती है क्या ये, सोचो जरा दिमाग से, बोलो सर नो, नहीं होती खोखली। तो इसका बहाई नापोगे आप, बहाय व्यास नापोगे, बहाय व्यास नापोगे, तो बाह्य व्यास हमेशा और हमेशा किससे नापोगे, बाह्य माइक्रोमीटर से, है ना, ठीक है, बाह्य माइक्रोमीटर से, क्योंकि ज्यादा बड़ा होता नहीं, बड़ी चीज अगर आती है तो फिलर गेज आता है ना, सॉरी
गैप आता है, गैप गैप आता है तो फिलर किया जाता है। और क्या नाम, बोर आएगा, बोर आएगा, बोर बोर तो आंतरिक वाला आएगा, आंतरिक आंतरिक माइक्रो, ये आंतरिक होता, खोखली चीज होती है, बोर मतलब होता खोखला, आंतरिक माए मापे, ये भी खोखले को नापेगा, खोखला खोखले को नापेगा, ये भी खोखले खोखले, ये भी खोखले को नापेगा, खोखला यानी अंदर से खाली, बाह्य माइक्रोमीटर ही इसमें आंसर आएगा। तो इसमें बहुत ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं होती, ठीक है। अब एक बार इस क्लास को आप लोग क्या करेंगे, शेयर कर देंगे, और अगला जो क्वेश्चन है इसको आप लोग अभी होमवर्क में लिख लो। आज मैं क्लास थोड़ी कम ले रहा हूँ, वैसे मैं कल से बहुत ज़्यादा लूंगा, है ना, या करोगे अभी क्लास? चलो कंटिन्यू करते हैं, अपन इस क्वेश्चन को भी देखते हैं। केम शाफ्ट द्वारा नियंत्रित प्रत्येक सिलेंडर के ऊपर स्थित एक इकाई में समाहित इंजेक्टर पंप को कहा जाता है, क्या बोला जाता है? डिस्ट्रीब्यूशन पंप, यूनिट इंजेक्टर, इनलाइन पंप, जर्क पंप। देखो, क्रेंक शाफ्ट द्वारा नियंत्रित सिलेंडर के ऊपर स्थित इकाई में समाहित इंजेक्टर पंप को क्या कहा जाता है? देखो क्या होता है, अगर एक सिलेंडर है उसके लिए इंजेक्शन हो रहा है तो सिंगल FIP कहा जाएगा उसे, FIP। लेकिन FIP के साथ अगर दो तीन चीज़ें, चार चीज़ें अगर हो जाती हैं तो सब चीज़ों को डिस्ट्रीब्यूट करना पड़ता है ना, तो डिस्ट्रीब्यूशन होता है फिर उसमें, तो FIP फ्यूल इंजेक्शन पंप कहलाता है। और FIP के साथ में डिस्ट्रीब्यूशन और जोड़ दो तो फ्यूल डिस्ट्रीब्यूशन पंप हो जाएगा। तो आपका आंसर हो गया ए, बहुत आसान प्रश्न रहा, ए ऑप्शन इज द राइट आंसर। बोलो हाँ या ना। अगले प्रश्न पर आ जाइए, अगला प्रश्न का जवाब दीजिए। चलो इस प्रश्न को मैं आपको HW में दे दे रहा हूँ, आज 15 हो गए हैं, 16वां प्रश्न HW में, और यहाँ से हम 16 से और आपके 16 दूनी 32, 33, 40 प्रश्न तक नेक्स्ट क्लास में करेंगे। 40 क्वेश्चन जो है हम अगली क्लास में आपको करवाएंगे, है ना, हाँ 40 प्रश्न तक अगली क्लास में कराएंगे। एक बार शेयर कर दो और ये वाला होमवर्क में ले लो, है ना, इसको डिस्क्रिप्शन के नीचे, अपनी इस क्लास के नीचे क्या करना, और ग्रुप में जुड़ना ना भूलना। आज मैं टेलीग्राम का ग्रुप बना दूंगा और इस वीडियो के नीचे शाम को 4 बजे तक वो टेलीग्राम का लिंक आ जाएगा, है ना, और वो डीजल मैकेनिक के बच्चों का ही होगा, और डीजल मैकेनिक के बच्चे ही उस ग्रुप में जुड़ेंगे। कौन सा ग्रुप रहेगा? डीजल मैकेनिक का टेलीग्राम ग्रुप रहेगा, उसमें सभी बच्चों को जुड़ना अनिवार्य है। और वहाँ पर इस क्लास की PDF जो कि 250 प्रश्नों की है, जो कि 2018 में आए हुए प्रश्न का संग्रह है, 2018 की भर्ती में यानी 2019 में आए हुए प्रश्नों का संग्रह है, ये पूरे क्वेश्चन जो है आपको वहीं PDF की फॉर्म में A4 पेपर में मिलेंगे, और इनका सॉल्यूशन भी मिल जाएगा आपको वहाँ का वहाँ, ठीक है। और वहीं पर ही आपको एक आपके YouTube का आइकन होगा, उस पर क्लिक करोगे तो आप डायरेक्ट इस क्लास में भी आ जाओगे, और इस क्लास में आकर के आप उन प्रश्नों को देख सकते हो, ठीक है। तो YouTube का लिंक भी वहाँ रहेगा, उस पर क्लिक करके सारे क्वेश्चनों को देख सकते हो। बहुत अच्छे तरीके से हम लोग इसको डिज़ाइन कर रहे हैं, और आज अभी थोड़ी देर बाद ये क्लास एंड हो जाएगी, उसके बाद में जितने भी बच्चे डीजल मैकेनिक के होंगे उनका ग्रुप, टेलीग्राम ग्रुप जो है बन जाएगा, उसको ज्वाइन जरूर कर लेना, क्योंकि उसमें काफ़ी सारे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस हम लोग डेली बेसिस पे करवाते रहेंगे। तो आज के लिए धन्यवाद करते हैं, कल फिर मिलेंगे नई जानकारी से, नई चीज़ों के साथ में। आज की क्लास कैसी लगी सर? 2018 में वाईफाई स्टडी से पढ़ा था ट्रेड में, ट्रेड में, ट्रेड मुझसे नहीं पढ़े होंगे, ये गारंटी है ना, ठीक है। बहुत बढ़िया, वाईफाई स्टडी से पढ़े थे, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप रेगुलर बेसिस पे पढ़ाई करो, आप लोग कोई कमी मत छोड़ो इस बार पढ़ाई में, है ना, किसी भी प्रकार से रेगुलर बेसिस पे आएँ और कंटिन्यू करें चीज़ों को, है ना कि नहीं। और अगर आप रेगुलर बेसिस पे क्लास अटेंड करोगे तो केवल ज़्यादा, बहुत ज़्यादा अधिक पढ़ाई क्लास नहीं करनी है आपको, मतलब एक उतना कर लो जितना कि आपके लिए एग्ज़ाम के लिए ज़रूरी है, ठीक है, हो जाएगा आराम से। कौन से ब्रांच से अच्छा रहेगा पॉलिटेक्निक वालों के लिए? अगर मैकेनिकल हो तो डीजल मैकेनिक बहुत बेस्ट है ना, मैकेनिकल से हो तो, और बाकी अगर किसी और ब्रांच से हो तो आप किसी और को देखना पड़ेगा। इरफान, आपने बेटा पूरी तरीके से नहीं पढ़ी होंगी क्लासे, इतना मैं दावा कर रहा हूँ आपसे, है ना। चलिए इरफान हो गया, ठीक है, अभिमन्यु का आंसर आ ही गया है, ठीक है, सही बच्चे डिस्क्रिप्शन में अपने लिखेंगे, ओके, गुड बाय, थैंक यू, कल फिर मिलेंगे, है ना, और रेगुलर बेसिस पे जुड़े रहे। अपना इसमें लिंक दिया हुआ ऐप का, ऐप जरूर डाउनलोड कर लें, और जो कोर्सेज हैं उन कोर्सेज में अगर आप जुड़ना चाहें तो जुड़ सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत वाली बात है। टेक्निकल का स्पेशल बैच भी है, थ्योरी, साइको, बेसिक साइंस, इंजीनियरिंग सब चीज़ मिल जाएगी, कंप्लीट ALP बैच भी है,
इसके साथ ड्रीम एएलपी बैच भी है ना, सारे बैचेस यहाँ पर अभी अवेलेबल है। ओके गुड बाय, थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक, कल फिर मिलेंगे नई जान के साथ नीचे। ओके गुड बाय, कल आ जाना 11 बजे। सभी बच्चे कल 11 बजे आएंगे और रेगुलर बेसिस पे क्लासों को अटेंड करेंगे। थैंक यू बेटा, थैंक यू।